आज मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 17 पाठ का नाम है सास सास में बास। पाठ का क्या नाम है? सास सास में बास। इसके जो निबंधकार हैं एलेक्स एम जॉर्ज। कौन है? एलेक्स एम जॉर्ज। तो सास सास में बास का आइए हम आपको सारांश बताते हैं। तो जो सास सास में बास निबंध में एलेक्स जॉर्ज ने बास की विशेषता का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। क्या किया है? बास की विशेषता का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने निबंध के प्रारंभ में एक जादूगर चंदकी चंगल नमा, जादूगर का क्या नाम रहता है? चंदकी चंगल नमा के बारे में बताया है, जिसने मरने पर कहा था कि यदि मेरे कब्र को छठे दिन खोदेंगे तो वहाँ कुछ नया पाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे कब्र को आप लोग छठे दिन खोदेंगे तो कुछ नया पाएंगे। छठे दिन लोगों ने जब उनके कब्र को छठे दिन उनके कब्र खोदी तो वहाँ टोकरियों के कई डिजाइन मिले। जब उनके कब्र को उन्होंने खोदा लोगों ने तो टोकरियों के कई डिजाइन मिले। लोगों ने इनकी नकल करके सीखा, साथ ही कुछ नए डिजाइन भी किए और कुछ इनके टोकरियों से डिजाइन सीखे, कुछ अपने पास से इन्होंने डिजाइन बनाए। इस प्रकार से बास क्या है? बास पूरे भारत में होता है। बास कहाँ कहाँ होता है बच्चों? बास पूरे भारत में होता है। और भारत के किस राज्य में? उत्तरी पूर्वी राज्यों में बहुतायत उगता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। वहाँ बास की बहुत चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। और जहाँ पे बांस ज़्यादा होता है वहाँ पे बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तभी से बांस की चीज़ें बना रहा है जब से वह कलात्मक चीज़ें बना रहा है। और मनुष्य कब से बांस की चीज़ें बना रहा है? जब से वो बांस की चीज़ें बना रहा है, जब से वो कलात्मक चीज़ें बना रहा है। जिसने शायद बया चिड़िया का नाम सुने होंगे आप लोग, तो बया चिड़िया के घोंसले से बुनावट तरकीब सोची होगी। और उन्होंने कहा है कि बया चिड़िया का जो घोंसला होता है वो बहुत अच्छे से वो बनाती है। तो लेखक कहता है कि शायद बया चिड़िया के घोंसले के बुनावट से ही मनुष्य ने ये तरकीब सोची होगी कि बांस की चीज़ें बनाने का। बांस की खपच्चियों से, खपच्ची जो उसको बांस को चीर फिर के हम पतला बनाते हैं, तो बांस की जो भी खपच्चियों से क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। किससे? बांस की खपच्चियों से, जैसे चटाई हो गया, फर्नीचर हो गया, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर और सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, खिलौने आदि। ये सब किससे बनाया जाता है? ये सब बांस की खपच्चियों से बनाया जाता है। ठीक, असम में बांस की खपच्चियों से मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। असम में क्या किया जाता है? बांस की खपच्चियों से मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है? चाय बगानों में काम करने वाले लोगों के लिए टोपियां और टोकरियां बनाई जाती हैं। और जो चाय के बगानों में काम करते हैं उनके लिए टोपियां और टोकरियां भी बांस की खपच्चियों से बनाई जाती हैं। बरसात के समय में लोग क्या करते हैं? बांस को इकट्ठा करते हैं। आम तौर पर वो क्या करते हैं? 3 वर्ष की आयु वाले बांसों को काटते हैं। जो बांस 3 वर्ष की आयु के रहते हैं उन्हीं को काटते हैं। बांस की शाखाओं और पत्तियों को वो बांस को काटते हैं और बांस की शाखाओं और पत्तियों को अलग कर देते हैं। और दाव होता है चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू, चांद जैसे फाल वाले चाकू होते हैं उसको हम दाव बोलते हैं। ठीक, तो उससे छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती है। टोकरी
या आसन बनाने के लिए अलग अलग लंबाई की खपच्चियां काटी जाती हैं। अगर टोकरी बनाना हो तो उसके लिए आसन या टोकरी बनाने के लिए अलग अलग इन मतलब अलग अलग लंबाई की खपच्चियां काटी जाती हैं। इनकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। और इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। खपच्चियां चीरने के लिए क्या चाहिए? हुनर चाहिए। ठीक, जिसको हुनर रहता है खपच्चियां चीरने के लिए हुनर चाहिए कि खपच्ची एक बराबर चीरा जाए। और इस हुनर को सीखने के लिए बहुत समय चाहिए। और इस हुनर को खपच्ची चीरने वाली हुनर को सीखने के लिए बहुत समय चाहिए। टोकरी, ठीक, टोकरी बनाने के लिए खपच्चियों को चिकना बनाया जाता है। जब टोकरी बनाया जाता है तो खपच्चियों को चिकना बनाया जाता है। इसके बाद गुड़हल और इमली की पत्तियों से रंगा जाता है। उसको किससे किससे रंगा जाता है? गुड़हल और इमली की पत्तियों से रंगा जाता है। बांस की बुनाई साधारण ही होती है, लेकिन बांस की बुनाई साधारण ही होती है। उसे आड़ा और तिरछा कैसे किया जाता है? उसे आड़ा तिरछा करके, ठीक है, खपच्चियों की आड़ा तिरछा क्या किया जाता है? डिजाइन बनता है टोकरी की खपच्चियों को चोटी की तरह से, ठीक, आड़ा तिरछा रखा जाता है और चेक का डिजाइन बनता है। जब आड़ा तिरछा रखने पर किसका डिजाइन बनता है? चेक का डिजाइन बनता है। और टोकरी के सिरों पर खपच्चियों को या तो चोटी की गूंथ लिया जाता है या कटे सिरे के नीचे की ओर मुड़कर फंसा दिया जाता है या कटे सिरों के नीचे की ओर मुड़कर उसको फंसा देते हैं। इस प्रकार टोकरी तैयार हो जाती है। ठीक, इसे बाजार में बेचा जा सकता है या घरों के काम में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने साथ साथ में बांस का सारांश आपको बताया। अब मैं आपको किताब से पढ़ करके इसे समझाऊंगी, तो आइए किताब से पढ़ते हैं। हम सांस सांस में बांस किताब से इसका बताते हैं। एक जादूगर थे चंगकी जंगल नमा। अपने जीवन में उन्होंने कई कई बड़े कर्तव्य दिखाए। जो जादूगर थे चंगकी जंगल नमा, वो अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुआ तो लोगों से बोले, जब उनको मरना हुआ तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। और कहें कि जब मुझे दफनाओगे, जब 6ठे दिन मेरे कब्र को खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन मिले। और जब उनका कब्र खोदा गया तो बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन मिले। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7ों राज्य में बांस बहुत उगता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7ों राज्य में क्या होता है? बांस बहुत ही उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों का भरण पोषण में इनका बहुत हाथ है यहाँ। और सभी समुदाय के भरण पोषण मतलब जीविकोपार्जन के लिए इस बांस का बहुत ही योगदान है। हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। और उत्तरी पूर्वी राज्य कहाँ की बात करेंगे? नागालैंड की। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें भी बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी।
और जब मनुष्य भोजन इकट्ठा करता था तो उसी के आवश्यकता अनुसार उन्होंने डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी। और बया जो चिड़िया होती है उसके घोंसले से टोकरी के आकार की बुनावट की तरकीब उनके हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं। और बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। और असम में बांस की खपच्चियों से एक जाल भी बनाई जाती है जिसे मछली पकड़ते हैं, या फिर क्या किया जाता है, धीरे धीरे खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु के आकार ले लें, और बांस की खपच्चियों को ऐसे बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु की ऊपरी सिरा अंडाकार होती है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी होती हैं, और जो ऊपरी सिरा होती है वो अंडाकार होती है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। देखिए आप लोग टोपियां यहाँ पे हैं कि खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्र भी तुम्हें लोग ऐसे टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरियां देखना ना भूलें। और जो उनके पीठ पे जो बड़ी सी टोकरियां बंधी रहती है उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त रहता है। बारिश के मौसमों में आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस को काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। जो बूढ़े बांस होते हैं वे सख्त होते हैं और टूट जाते हैं। बांस से शाखाएँ पत्तियाँ अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। और ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। फिर दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से उन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को के हर एक गांठ को काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गांठों वाली खपच्चियां काटी जाए। यानी कहां से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों में कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चीटना बनाना बहुत ज़रूरी है और टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चीरना बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर दांव काम आता है। दांव बताए थे आप लोग को हम, खपच्चियाँ बाएँ हाथ में होती है और दाएं हाथ में। दांव का धारदार सिरा खपच्चियों को दबाकर रहता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे स्थिति में बाएं हाथ से खपच्चियां को बाहर की ओर खींचा जाता है। इन दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्चिया पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक कि खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया क्या किया था दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई, और उसके बाद खपच्चियों की रंगाई होती है। इसमें ज़्यादातर गुड़हल इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम का छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रख दिया जाता है।
आम की छाल में लपेट करके मिट्टी के अंदर बांस रख दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों के चित्र में दिखाए गए तरीकों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने ऊपर नीचे किया जाता है। इससे जैक का डिजाइन बनता है, और इससे क्या बनता है, जैक का डिजाइन पलंग का निवाड़ की बुनाई की तरह। टोइल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है, और हमारी टोकरी तैयार, चाहे तो बेचो या घर के काम में लो, ये टोकरी तैयार हो जाती है। इस प्रकार इसे बेचिए या बाजार या घर के काम, बाजार में बेचिए या घर के काम में यूज लीजिए, यूज करिए। इस प्रकार से आपका सास सास निवास एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखा हुआ निबंध आपका समाप्त हुआ। अब मैं आपको प्रश्न भेजूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।